बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, वेलकम टू कैम्ब्रिज इंटरनेशनल साइंस कॉलेज तलागा। आई से वेलकम टू यू एंड योर न्यू क्लास। आई एम योर क्लास टीचर टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर लास्ट 2 ईयर्स। Today, it is my first lecture. I would like to tell you about composition of your paper. As you have attempted already, paper of class 9th and 10th, there is a little difference. It contains 100 marks, while the paper of 9th and 10th was 75 marks each. First of all, composition of paper. You will get a paper of objective of 20 marks. 10 marks number of books सबसे पहले, there are 2 books which you will study in this class, book number 1 and book number 2. Book number 1 is it is book of prose. It contains 15 stories. Second is book 3. It comprises 3 one-act plays and 20 poems. So composition of paper, first part of objective will be of 10 marks from synonyms. From both the books, near about 6 synonyms from a book of prose, near about 3 from plays and 1 or 2 synonyms from the poems. So 10 marks synonym ke ho gaye. Next, correction, right use of verb. five marks. टोटल 15, 5 मार्क्स की आपकी स्टेटमेंट होगी फॉल्स और ट्रू। बुक के हवाले से आपकी स्टेटमेंट्स दी गई होंगी, जो आप बुक पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, प्लेस पढ़ेंगे, पोएम्स पढ़ेंगे, उनमें से आपकी 5 जो है वो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उनको आपने वेरीफाई करना होगा वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी। तो इस तरीके से ये आपका 20 नंबर का जो है वो ऑब्जेक्टिव मुकम्मल हो गया। रेस्ट पार्ट ऑफ द पेपर कंटेन्स 80 मार्क्स। और 80 मार्क्स में आपके जो आंसर क्वेश्चन का प्रोसेस है प्रोज की बुक से, होल ऑफ द बुक्स यू हैव टू answer the questions, only 6 from the prose. तो answer का जो schedule होगा आपका वो आपका 2
मल्टीप्लाई 6 12, आपके 12 मार्क्स का जो पेपर है वो आपकी प्रोज की बुक से होगा, और इन द सेम वे जो 12 है वो आपके प्ले से आ जाएंगे। फोर मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन होंगे वो आपके हो जाएंगे जी पोएम से। बल्कि ये ठीक है जी, तो टोटल आपके जो है ये 30 मार्क्स ही हो गया, 30 ये हो गया, 20 आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, 50 रेशियो 50 मार्क्स है आपके। वो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है आपका उसमें होता है जी राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम, फी कंसेशन है, लीव है, कोई भी, तो 10 मार्क्स की एप्लीकेशन होती है या उसके साथ चॉइस दी जाती है एप्लीकेशन और लेटर। ये पार्ट टू है 10 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका उसमें मॉरल स्टोरी दी जाती है आपके इस सिलेबस में, नियर अबाउट 20-30 जो है वो मॉरल स्टोरीज दी गई हैं। तो दो मॉरल स्टोरीज जो है वो दी जाती है, उनमें से एक जो है वो आपने अटेम्प्ट करनी होती है, वो भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। आखिर में आपके दो क्वेश्चन रह जाते हैं जी, एक जो क्वेश्चन है उसके फर्दर 3 पार्ट हैं, जिनमें जो पहला पार्ट है उसमें आपने करना है पैराफ्रेज, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, पोएम इज अबाउट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोएम आपकी द रेन है, दैट इज अबाउट रेड रिटन बाई डेविड डाइचीज, ठीक है जी, तो पैराफ्रेज करना है आपने। जो इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है वो आपका है पंक्चुएशन, पांच नंबर का पंक्चुएशन का क्वेश्चन। तीसरा जो पार्ट है इसी में पेयर ऑफ वर्ड्स यूजेज है, क्वेश्चन होगा यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, तो पांच नंबर का याद रखे कि ये पेयर एक पेयर का एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल लफ्ज आ जाता है फाउल, अब जो बच्चा फाउल और फाउल, अब ये अगर आप फेमिलियर है इस बात से FOUL से, तो आपको पता है कि गलती को कहते हैं, और FOWL फाउल परिंदे को कहा जाता है। अगर आप इससे वेल फेमिलियर है, आप जानते हैं, फिर तो आप इनको ठीक से इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ही प्लेज फाउल, अब आधे नंबर का आपने जो है वो कैसे अटेम्प्ट कर लिए। अब दूसरा है फाउल, परिंदे को कहते हैं फाउल्स आर कैप्ट इन केजेस। अब ये आपके जो दो सेंटेंसेस हैं, दो चुके वर्ड्स का एक पेयर बना है, तो ये एक पेयर का एक नंबर है, तो ये पांच नंबर का क्वेश्चन है, गोया आपने पांच जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो करने होंगे तब आपको जो है उसका। तो ये एक जो क्वेश्चन है उसमें तीन क्वेश्चन दिए गए, एक पैराफ्रेज है, साथ पंक्चुएशन है, मुख्तलिफ जो आप ड्यूरिंग राइटिंग रीडिंग जो मुख्तलिफ आप रमूजो अवकाफ जिन्हें आप उर्दू में कहते हैं उनको हम इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क कर दिया, कहीं फुल स्टॉप लगाना है, कहीं क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहीं स्लैश देनी है, कहीं डैश देनी है, ठीक है जी, तो उनको हम क्या कहते हैं, कहीं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देना है, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, साइन ऑफ पंक्चुएशन, ठीक है, उनको पंक्चुएशन कहा जाता है। ये जो मुख्तलिफ साइंस है जो हम ड्यूरिंग रीडिंग और राइटिंग इस्तेमाल करते हैं,
करते किस लिए है? ताकि हमारा जो मतलब है, हमारी जो बात है, हमारा जो मुद्दा है वो वाजे हो जाए, क्लियर हो जाए। तो पांच नंबर पंक्चुएशन के तीसरे जो है वो पैरा वर्ड, तो ये 15 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज मोर वैल्यूएबल, किस लिए? कि आपका जो चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ेंगे ओनली इंग्लिश से ट्रांसलेशन दी गई है। ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज फॉलोइंग पैसेज भी आ सकता है, लाइंस भी आ सकता है, एंड उर्दू। सबसे ज्यादा नंबर देने वाला, सबसे वर्दी और वैल्यूएबल क्वेश्चन ये दो है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया वो 15 मार्क्स का है, ये भी 15 मार्क्स का है, बाकी सारे जो है वो 10-10 नंबर के थोड़े हैं इसे। तो जो हम आपको यहां क्लास में और रीडिंग करवाते हैं उसके बाद हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। फर्स्ट ईयर में ट्रांसलेशन का मकसद सिर्फ यह है कि आप अच्छे मार्क्स ले सके, और जब इंशाल्लाह जब आप सेकंड ईयर जाएंगे तो फिर ये ओल्ड हो जाएगा, फिर आपने उर्दू पैराग्राफ जो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो ये आपकी जो है वो कंपोजिशन ऑफ पेपर है। 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 30 नंबर के आपके आंसर क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो 50 नंबर का पेपर है वो आपका ग्रामर का पार्ट हो जाएगा। 10 नंबर की आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी या लेटर, जो आप मर्जी अटेम्प्ट करें। 10 नंबर की आपकी स्टोरी हो जाएगी, मॉरल स्टोरी। 20 नंबर का ये हो गया, और रेस्ट पार्ट ऑफ द पेपर जो है वो दैट रिमेंस 30 मार्क्स। उनमें से 15 जो है वो एक क्वेश्चन के नंबर हैं, जिनमें से पैराफ्रेज, पंक्चुएशन और पैरा वर्ड्स है, और एक जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें ट्रांसलेशन। तो ये आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है फर्स्ट ईयर का, उसकी कंपोजिशन, उसका जो तरीकाकार है वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से जेन नशीन भी कर लिया होगा, क्योंकि अमूमन जिस वक्त बच्चा नई क्लास में आता है तो उसमें एक तजस्स होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि जी वो पेपर क्या है, पेपर में क्या आता है, कैसे होता है। सो आई थिंक इट इज माई फर्स्ट ड्यूटी टू टेल यू एंड टू क्लैरिफाई द पैटर्न ऑफ द पेपर। सो इंशाल्लाह वी विल फर्दर एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। हम अपने पेपर के हिसाब से ही अपनी तैयारी भी करेंगे और अपना जो मरहलावार तरीकाकार है तैयारी का वो भी करेंगे, लेकिन ये इसलिए बताना जरूरी था ताकि आपके जहनों में किसी किस्म का जो इबहाम है, जो डाउट है, जो शक है वो दूर हो जाए, और आप अच्छे तरीके से जो है वो अपने काम को जो है वो फर्दर आगे बढ़ाने का अमल जो है वो जारी रखें। तो ये लेक्चर नंबर 1 जो है इसमें आपने ये सेल्फ कंपोजिशन ऑफ जो पेपर है इसको देखा है। उम्मीद है इंशाल्लाह अब आपको इस पे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी, और अगर हो तो फिर भी वेलकम, इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, आपको सेटिस्फाई करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे, आपको मुतमईन करेंगे। थैंक यू मच। इंशाल्लाह इसके बाद हम अपना सेकेंड लेक्चर जो है वो करेंगे स्टार्ट, और वो हमारा जो हमारी प्रोज की बुक होगी इंशाल्लाह उस पर। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जी अल्लाह हाफिज़।